जून 2020 में केंद्र सरकार द्वारा खेती किसानी से जुड़े किसानों को अध्यादेश के विरोध में सौंपा ज्ञापन। जिला अध्यक्ष बसंत लाल पटेल के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन, जिसमें युवा नेता जितेंद्र सिंह जाटव, किसान नेता ब्रजभान पटेल, युवा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन व शंकर पटेल, सुखेंद्र पटेल सहित कई नेता शामिल हुए। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस, इस अध्यादेश के जरिए व्यापारी मंडी के बाहर कहीं भी किसानों के घरों अथवा मंडी के बाहर कभी भी खरीद कर सकता है, जिसमें मंडियों में आने वाला टैक्स खत्म हो जाएगा तथा किसानों को उचित मूल्य मिलना संभव नहीं होगा। मंडी व्यवस्था पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी और बिचौलियों का बोलबाला हो जाएगा। दूसरे अध्यादेश के जरिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को खत्म कर व्यापारियों के स्टॉक करने की क्षमता अनलिमिटेड कर दिया, जिससे बड़े व्यापारी घराने देश के संपूर्ण अनाज का भंडारण कर और उसमें आगे ब्लैक मार्केटिंग करने का रास्ता खुल जाएगा। इस अध्यादेश से किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों की खुली लूट होगी। परफॉर्मेंस एग्रीमेंट ऑन प्राइस एक्यूरेस एंड फॉर्म ऑर्डिनेंस, इस अध्यादेश के जरिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आगे किया जाएगा, जिससे किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह जाएगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गाइडलाइन की गई है, जिसमें फसल के न्यूनतम समर्थक मूल्य का किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है। किसानों की पंचायत ने पारित प्रस्ताव के जरिए माननीय महोदय से यहाँ तीनों किसान विरोधी अध्यादेश को वापस लिए जाने की मांग की गई, अथवा एक अन्य अध्यादेश जिसमें MSP खरीद की गारंटी हो का प्रस्ताव अध्यादेश के जरिए वापस किया जाए। टीम भारती न्यूज। आज हमारी भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष माननीय बसंत पटेल जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार किसान विरोधी बिल लाई है, उसके विरोध में आज पूरे गुनौर के और जिले के किसानों ने मोदी सरकार के चिताने के लिए ज्ञापन दिया है कि अपना जो कानून किसान विरोधी कानून आप लाए हैं उसको वापस लीजिए, नहीं तो बड़े व्यापक पैमाने पर पूरा किसान आंदोलन करेगा। अभी हमने ज्ञापन देने का काम किया है और हम आगे चल के चकाजाम प्रदर्शन और बड़ा विकराल पूरा जिले के किसान एक होकर दुकानें आंदोलन चकाजाम करके इतना बड़ा प्रदर्शन करेंगे कि भाजपा सरकार हिल जाएगी। जी, जो ज्ञापन दिया गया है ये कैसा, क्या ज्ञापन है, किन मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? क्या है कि जो केंद्र सरकार ने वर्तमान में 5 जून 2020 को किसानों के विरोध में 3 अध्यादेश जो पारित किए हैं जी, सरकार ने उसमें गुण दोष या बहस चर्चा कुछ नहीं करवाई। आज मोदी जी समझ रहे हैं कि किसान कुछ जानता नहीं, किसान घर बैठे टीवी देखता है, चैनल देखता है और व्हाट्सएप देखता है, सब जगह पूरे देश में विरोध हो रहा है इसका। हमने तो छोटे पैमाने पे किया है, आज अभी आगे चल के इसका बहुत हम आंदोलन करने वाले हैं आगे चल के। अगर मोदी सरकार जी इन अध्यादेशों को वापस नहीं लेते हैं, इसमें किसान की पूरी कमर ही तोड़ दी गई है, चाहे वो स्टॉक सीमा व्यापारियों के लिए खोल दी गई, व्यापारी कहीं पर भी खरीद ले, किसान को लूट ले, पैसा ना दे, इसकी कोई गारंटी नहीं दी गई। यदि अध्यादेश वापस नहीं लिया जाएगा तो क्या करेंगे? तो पूरा देश किसान आंदोलन करेगा, हम लोग भी आंदोलन करेंगे। क्या नाम है, कौन से? मेरा नाम बसंत लाल पटेल है, भारतीय किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष है। और हमने एक और 2 ज्ञापन दिए, एक राज्य सरकार को दिया है, हमारा पिछले साल का 75% राज्य जो शेष पड़ी है मुआवजा की वो हमको मिलना चाहिए, और ऐसी वर्ष का जो है क्षति का आंकलन है वो भी करवाना चाहिए। हम प्रदेश के लिए 3 मुद्दे दिए हैं, केंद्र के भी 3 मुद्दे हैं। जी जी, आगे चल के अगर इनका समाधान नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन। धन्यवाद। ये किसान यूनियन के द्वारा दिया गया है, उनका कहना है कि जो हमारी फसल खराब हो गई है उसका सर्वे कराया जाए और जो मुआवजा राशि अनुदान राशि बनती है हमको दिलाई जाए, तो उस संबंध में हमने उनका ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन जो है राष्ट्रपति जी के नाम से है और मुख्यमंत्री जी के नाम से, 2 प्रकार के ज्ञापन। सर, इसमें ग्रामीणों का कहना है कि पिछले वर्ष की हमें कुल 25% राशि लाभार्थियों को मिल पाई है, उस पर क्या किया जाएगा? देखिए, शासन है जो राशि दी है जी वो हमने बांट दिया जी, जो राशि आएगी उसको भी बांटेंगे। अच्छा, राशि जब हमको प्राप्त होगी शासन से तभी हम बांटेंगे जी। अच्छा, इस सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।